उनेजा कहाँ है? राजिया के घर गई हुई है। राजिया की तक एहसान भाई को कुछ काम था, मुझे लगता है खाना खा के आएगी। एक काम करते, कुछ ऑर्डर करते। नहीं, तुम उसे वापस बुलाओ। अरे क्या हो गया, तुम अपनी बहन के घर गई है, बैठो। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं उसे लेने जाती हूँ। अरे है ना, क्या हो गया है, आराम से बैठो यहाँ पे। अरे मैं नहीं बैठ सकती आराम से, मैंने एहसान भाई को सब बता दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। I'm sorry, Uneza, लेकिन यही सच है। चलो मान लेते हैं कि गलती इंसान से हो भी सकती है, लेकिन इसने जानबूझकर ऐसा किया। जरा सोचो Uneza, तुम्हारा बेचारा शौहर, अरे उस पर उम्मीद लगाए बैठा था और उस जानवर ने उसे वहां तड़पता हुआ छोड़ दिया ताकि वो उसी की बीवी से शादी कर सके। बकवास बंद करो यार, ना ये कैसा बदला लिया यार तुमने, ना मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छा तुम गुस्सा मत करो और इत्मीनान से बात सुनो। मैं कह दूंगी कि मैंने गुस्से में कहा है, ऐसे भी कोई सबूत नहीं है और जैसे मेरा टेम्परमेंट है मैं ऐसे कर सकती हूँ। अर्श तुम परेशान मत हो, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेना चाहती हो और कह रही हो कि मैं परेशान मत हूँ। तुम्हारा कुछ कभी था ही नहीं Uneza, इतनी बड़ी गलती की तुमने, अकड़ कर ये घर छोड़कर चली गई। अरे फैमिली फैमिली होती है और मुझसे बड़ा तुम्हारा खैरखा कौन हो सकता है। आरिश, आरिश था और हमेशा आरिश ही रहेगा और आप हमेशा की तरह सिर्फ बकवास करते रहेंगे। मैं बकवास कर रहा हूं ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो हिना से पूछ लो, उसके पास सबूत है। आप चाहे मुझे 100 सबूत दिखा दें, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। और अपने शौहर के कातिल के साथ रहती रहोगी? हाँ रहती रहूंगी, कोई मसला है आपको? तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ है, और कुछ?